असलम एंड गुड आफ्टरनून एवरी वन वेलकम टू लर्न एंड सर्व अकेडमी फ्री प्लेटफॉर्म फॉर ऑल जे के एस एस बी एग्ज़ाम कल तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था मोशन मोशन को हमने कम्प्लीट किया एंड अब जो हमें आज आज का जो टॉपिक है वह है सोर्सेज ऑफ एनर्जी और आप लोगों ने जे के एस एस बी के हर ए, हर एक एग्ज़ाम में आप लोगों ने इस सिलेबस में ये टॉपिक पाया होगा सोर्सेज ऑफ एनर्जी फिर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और उसमें बायोमास एंड बायो गैस एंड एट द एंड अल्टरनेट और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अंडर द सेम हेडिंग हर एक एग्ज़ाम जे एग्ज़ाम में ये टॉपिक हमें देखने को मिलता है और इसी को हम आज यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल ये थेर, थेरेटिकल एक टॉपिक है लेकिन हम इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो हमने देखा है कि जे के हर एक एग्ज़ाम एक में पूछता आ रहा है पिछले आ, जो भी एग्ज़ाम हुए जे के के दौरान उसमें हमें इनमें क्वेश्चन देखने को मिले पहले ये कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी अब जैसे कि आप सबको पता है फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसी एक सिंपल एग्जांपल लेंगे अगर हमारे पास एक ट्रेन है और इस ट्रेन को हमें पता ही है कि इसको इसको मूव करवाना है हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो हमारे पास इसको रन करने के लिए कुछ कोई सोरस होना चाहिए जिससे ये ट्रेन चलेगी एक जगह से दूसरी जगह तक और अब जिस अब जो भी हम इसमें कोई भी हम चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिससे ये ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगी अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटी से भी ये रन कर सकता है हमारे पास कोल है जिससे हम जो वो कोल इंजनस होते हैं हमारे पास डीजल इंजनस होते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इस ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं अब जो भी हमारे पास एक सोरस होगा एनर्जी का हम किस सोर्स को हम कंसिडर करेंगे ये गुड है आ, तो इसके लिए जे के एस एस बी में आपको मैंने इस पर एक क्वेश्चन आते हुए देखा है जो बिल्कुल एन सी आर टी इन्होंने पॉइंट लिया है पहला ये कि लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास अगर हमारे पास कोई भी एनर्जी का सोर्स है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोल की बात करेंगे हमारे पास दो सोर्सेज है अगर हम एक इसमें कोल लेंगे अगर कोल का हम कुछ मास लेंगे और हम देखेंगे कि इस इस मास अगर हम ये ये मास जो कोल का है इसको हम कंज्यूम करेंगे वहाँ से कितनी एनर्जी हमें मिलेगी अब हम अब अब हम कोई और सोर्स लेंगे और उसका भी बिल्कुल सेम मास लेंगे और हम देखेंगे इससे कितनी एनर्जी निकलेगी सेम मास से जिस 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 सोर्स आप जिस सोर्स से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी वो कंसिडर किया जाएगा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट बी ईज़िली एक्सेसिबल इसका क्या मतलब हुआ कि अवेलेबिलिटी इसकी हमें होगी अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है जिस एरिया में हम रहते हैं अगर हम, हम अगर हमारे पास कोई गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है लेकिन हमारे एरिया में जहां हमें जरूरत है वहां पे अवेलेबल ही नहीं है तो हम हमें तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं मिला तो इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट अब ये इजीली हम इसको स्टोर कर पाए और ट्रांसपोर्ट कर पाए उसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास कहीं पर कोल माइनिंग हमने की कहीं पर हमें कोल मिल रहा है तो अगर ये कोल जहाँ पे हमें ज़रूरत है अगर हम जहाँ पे हमें ये मिल रहा है और जहाँ पे हमें जरूरत है अगर हम इसको ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे उस प्लेस तक तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसीलिए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में ये भी एक है कि बी ईजी टू तो स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट एंड मोस्ट इम्पॉटेंट इट शुड बी इकोनॉमिकल ये हम सबको पता ही है कि प्राइस वगैरह इसका ऐसा होना चाहिए कि जो अफोर्डेबल हो तो ये फोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है और एस एस बी में यही क्वेश्चन हमें मैंने देखा था वहाँ पर कि ये चार पॉइंट्स थे फिर लिखा था कि इसमें से कोई कौन सा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है तो इसका जो ऑप्शन है वो है आल ऑफ एबो अब हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ अब हमारे पास जो एनर्जी के टाइप्स है वो वो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है जैसे कन्वेंशनल है नॉन कन्वेंशनल है हमारे पास रिन्यूएबल है नॉन रिन्यूएबल है हमारे पास कमर्शियल है नॉन कमर्शियल है हमारे पास प्राइमरी है एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन्हीं को हम डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे पहला ही अगर हम देखेंगे कि हमारे पास जो बिल्कुल दो सिंपल है आप लोगों को पता ही होगा कि एक तो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास वो सोर्स ऑफ एनर्जी है विच इज़ नेचुरली रिप्लिनश इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास कोई एनर्जी का सोर्स है और जितना हम इसको यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा ये खुद ही अवेलेबल हो रहा है हमें फॉर एग्जांपल अगर हम सोलर एनर्जी की बात करेंगे बहुत मतलब नवाडेज हमें पता है कि कितनी सोलर एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम हमें पता ही है कि नेचुरली ये सोलर एनर्जी ख़त्म नहीं हो रही है तो ऐसे हमारे पास वाटर है हमें पता है कि जितना जितना हम यूज़ कर रहे और ये नेचुरली ये हमारे पास और अवेलेबल हो रहा है ख़त्म नहीं हो रहा है तो ऐसे सोसज़ ऑफ़ एनर्जी हो जो होगी उनको हम रीनबल सोसेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं दूसरे है नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ये ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जब हम इनको एक बार यूज़ करते हैं तो इनको इनको बहुत ही टाइम लगता है बनने में जब हमने इनको यूज़ किया तो अब अब हमारे पास ये इजीली एक्सेसिबल नहीं होते एक बार हमको यूज़ किया ये ख़त्म हो अब बहुत सारा टाइम इनको ऐसे फ्यूअल उसको बहुत सारा टाइम लगता है फिर से बनने में यानी कि रिनुएबल में हम जिस रेट से हम कोई सोर्स ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं उससे ज़्यादा रेट पे ये बनते हैं यानी कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट हर एक टाइम पे होती नॉन रिनुएबल पे जिस रेट पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं उस उस रेट पर हमारे पास अवेलेबल नहीं होते यानी कि ये ख़त्म भी हो सकते हैं। ऐसे सोर्सेज एनर्जी को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं ये पहली एक पह, पह, पहली एक डिफ ये थी क्लासिफिकेशन की दूसरी है कन्वेंशनल ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल ऑफ एनर्जी कन्वेंशनल सोसर्जी ऑफ एनर्जी वो सोसज़ ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको हम बहुत ही पुराने टाइम से हम ट्रडिशनली जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल वे में बहुत ही पुराने टाइम से हम ऐसे सोर्सेज एनर्जी को यूज़ करते आ रहे हैं और जो ऐसे सोसज़ ऑफ़ एनर्जी होती है दीज आर यूजुअली नॉन रिनबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो जैसे मैंने अभी बोला नॉन रीन मतलब जिस रेट पे हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं उस रेट पे ये फिर से नहीं बनते हैं दैट मीनस इनको मतलब ये ख़त्म भी हो सकते हैं ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दीज आर जो हमने बोला अभी दीज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी अगर ये नॉन रिन्यूएबल है इसका मतलब ये है कि दीज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज अपार्ट फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो हमें मिलता है जो हम पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम हाइड्रो पावर प्लांट्स ये तो है कन्वेंशनल कन्वेन्शनल ऑफ एनर्जी क्योंकि बहुत ही पुराने टाइम से हम इसको यूटिलाइज इस चीज़ को इस चीज़ से हम यूटिलाइज ये इस चीज़ से हम ये प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है तो ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो बहुत ही पुराने टाइम से हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं बट ये तो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लेकिन ये वा ये जो है ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है ये लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास नहीं है ये बहुत अनलिमिटेड है क्योंकि वाटर तो हम हमें पता है कि अनलिमिटेड हमारे पास अवेलेबल होता है तो एक एक्सेप्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर तो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लेकिन दिस इज नॉट रिन दिस इज नॉट नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यह नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है बट दिस इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास दो टाइप्स की है एक तो है कमर्शियल दूसरा नॉन कमर्शियल अब कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल सेंस ये टाइप है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो हमें पता पहले ही लगेगा कि एक तो हम इनको बहुत ही पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं पहला पॉइंट दूसरा ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब ये लिमिटेड है जिस रेट पे हम इसको यूज कर रहे हैं उस रेट पर ये नहीं बनते हैं एक्सेप्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर प्लांट ये हमें ये दो पॉइंट्स हमें बिल्कुल पता ही है अब कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कमर्शियल ऐसे सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी होते हैं अगर एक कंज्यूमर को ऐसे सोसिस ऑफ एनर्जी चाहिए तो इसको पे करना पड़ता है इस चीज़ के लिए फॉर एग्जांपल अगर हमें कोल चाहिए हमें मुफ्त में नहीं मिलेगा हमें पे करना पड़ेगा इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी अगर हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो हमें क्या हमें पे करना पड़ता है इसके लिए पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैस ये सारी एग्जांपल्स तो है कन्वेंशनल लेकिन कन्वेंशनल में भी कमर्शियल यानी कि हमें पे करना पड़ता है इसके लिए एंड देन नॉन कमर्शियल नॉन कमर्शियल भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का टाइप है यानी कि इसमें भी हम मतलब ये एक ट्रेडिशनल जो बहुत ही पुराने टाइम से हम इनको यूज़ कर रहे हैं ऐसे सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी को और ये नॉन रिन्यूएबल है लेकिन हमें इनके लिए पे नहीं करना पड़ता है फॉर एग्जांपल फायरवुड जो हम घर में जलाने के लिए हम जो लकड़ी यूज़ करते हैं या ड्राई डंग जो हम एज फ्यूल यूज़ करते हैं ऐसे सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी क्या है नॉन कमर्शल इसके बाद अब हम देखेंगे वन बाई वन कुछ इंपॉर्टेंट मतलब ऐसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है हमारे पास पहला ये है फ़ासिल फ्यूल्स जो फॉसिल फ्यूअल्स होते हैं ये क्या होता है असल में जो प्लांट्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं हमारे पास जो बहुत टाइम पहले मरे हो और देन मतलब ये सॉइल के डिफरेंट मतलब सॉइल के अंदर डिफरेंट लेयर्स में ये प्रेजेंट होते हैं और अब क्या होता है जब बहुत ही सालों तक ये इस सॉइल के अंदर रहते हैं तो ये डिकम्पोज होना स्टार्ट करते हैं एंड इवेंचुअली फॉसिल फ्यूल्स आर तो फर्स्ट पॉइंट वी शुड नो दैट दीज आर मेड फ्रॉम डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दीज आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट जैसे आप लोगों को पता ही है कि अर्थ uh, के अगर हम डीप इन साइड जाएंगे तो लेयर्स है क्रस्ट मेंटल कोर तो ये किस में पाए जाते हैं क्रस्ट में कंटेनज कार्बन एंड हाइड्रोजन इसमें कौन कौन सा ये हमें मिलता है कंटेन एक तो एक कार्बन मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है फॉसिल फ्यूल में एंड टेक वेरी मच टाइम इन फॉर्मेशन सिंस ये तो है ही कन्वेंशनल ये लिमिटेड है तो हमें पहले ही पता बोला है कि इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल ये भी हमें पता ही है इसके बाद जो दूसरा हमें हमें देखना है दैट इज़ थर्मल पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट भी हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है इसका क्या मतलब हुआ जो थर्मल पावर प्लांट है थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं हम इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं जब फॉर एग्जांपल कोल है हमारे पास या पेट्रोलियम है कोई भी ऐसी चीज़ हो इसको हम बर्न करते हैं जब बर्न करते हैं तो वहाँ से क्या होता है वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है इसी हीट को हम क्या करते हैं इस हीट से हम वाटर को ये हीट जो है हम यूज करते हैं वाटर को हीट करने में और जब वाटर हीट हो जाता है वहां से क्या प्रोड्यूस होता है स्टीम इस स्टीम की वजह से हम टर्बाइन जनरेटर का जो टर्बाइन होता है उसको रोटेट करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो थर्मल पावर प्लांट भी है क्या, क्या? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट की बात हमने अभी की हाइड्रो पावर प्लांट भी है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बट एट द सेम टाइम दिस इज़ नॉट नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बट दिस इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रो पावर प्लांट हमारे पास क्यों अब क्यों है क्योंकि हमें पता ही है हाइड्रो पावर प्लांट में हम क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम वाटर अब विद टाइम हमें पता है रेन की वजह से तो पानी फिर से आता है मतलब जहाँ पे डैम्स में पानी फिर से आता है तो दिस इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आप लोगों को पता ही है अब हमारे पास क्या होता है हमारे पास एक मूविंग स्ट्रीम होती है कहीं पे हमारे पास मूविंग स्ट्रीम या रिवर होगा हम जब भी कोई चीज़ मूव करता है तो इसके अंदर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी हम पहले कुछ रिजर्वर्यर्स या डैम्स बनाते हैं और इन रिजर्वर्स और डैम्स का काम क्या होता है जो काइनेटिक एनर्जी होता है इस वाटर में जब ये स्टोर होता है अब एक ही जगह पानी खड़ा है तो इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी बाय डैम्स और रिज़र्वर्स पहला पॉइंट अब हमारे पास वाटर है स्टैंड स्टिल मतलब किसी कंडीशन में है तो वहाँ पे कौन इसमें कौन सी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी किसमें इन हाइड्रो पावर प्लांट यही मैंने लिखा है हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इन्टो इलेक्ट्रिसिटी लेकिन आप लोगों को याद रखना है जो डैम्स हम पहले बनाते हैं वो कांटिक एनर्जी ऑफ वाटर को कन्वर्ट करते हैं इंटू पोटेंशियल एनर्जी और फिर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वाटर में है जो हमने डैम्स में डैम्स में जो वाटर अवेलेबल है उसमें पोटेंशियल अनर्जी है जब यही फाल करेगा फ्राम सम हाइट इंटू दर्बाइन ऑफ जनरेटर इट विल प्रोड्यूस एलेक्ट्रिसिटी दैट मीनस एट दाइम पोटेंशल अनर्जी ऑफ दिस वाटर इज कन्वर्टेड इंटू एलेक्ट्रिकल एनर्जी ये एन का एक पॉइंट है ऑलमोस्ट वन फोर्थ ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसड फ्राम हाइड्रो पावर प्लाट सिंस आप लोगों को पता है कि जो एन एनसीआर टी की टेक्स्ट बुक्स है बहुत पहले इनका एडिशन आया है तब से कोई चेंज वेंज नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने लिखा है कि वन फोर्थ ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इज प्रोड्यूस्ड फ्राम हाइड्रो पावर प्लांट्स लेकिन अभी का जो प्रेजेंटली अगर आप देखोगे ये मैंने ऑफिशल वेबसाइट से मैंने ये जस्ट ए मिनट ऑप्शनल वेबसाइट से मैंने ये देखा है कि जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो 60 परसेंट ये ऑप्शन वेबसाइट से मैंने लिया है फॉसिल फ्यूल्स 60 परसेंट हाइड्रो पावर प्लांट्स से सिर्फ 11.7 परसेंट विंड एनर्जी से टेन परसेंट सोलर एनर्जी से थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट न्यूक्र एनर्जी से वन पॉइंट सेवन परसेंट और हमें पता ही यह फॉसिल फ्यूल में कोल पेट्रोलियम ऑयल वगैरह आता है तो फॉसिल फ्यूल्स में सबसे मैक्सिमम कोल फिफ्टी वन परसेंट यह इंडिया में है कि इलेक्ट्रिसिटी हम परसेंटेज वाइज इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ से हम प्रोड्यूस करते हैं या एनर्जी एनर्जी हम किस चीज से प्रोड्यूस करते हैं तो फॉसिल फ्यूल से सिक्सटी परसेंट हाइड्रो अलेवन पॉइंट सेवन परसेंट विंड टेन परसेंटेंटेंटेंटेंट सोलर थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट न्यूक्र वन पॉइंट सेवन परसेंट और फॉसल फ्यूअल सिक्सटी परसेंट में से कोल फिफ्टी वन परसेंट अलाउन चलो ये हम लोगों लो ने यहाँ पे देखा अब क्या है अब अब हमारे पास हमें पता ही है कि हाइड्रो पावर प्लान में हमें पहले ही डैम बनाना पड़ता है तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स है क्या ड्राबैक्स है पहले तो अगर वहाँ पे जहाँ पे हमें ये डैम बनाने की हमें जरूरत पड़ी अगर वहाँ पे ट्रीज़ वगैरह होंगे तो पहले ही हमें उनको काट काटना पड़ेगा तो डिफारस्ट्रेशन एक इसका ड्राबैक है दूसरा अगर वहाँ पे कुछ मतलब लोग रहते होंगे तो हमें उनको भी वहाँ से हमें मतलब किसी और जगह शिफ्ट करना है तो ये एक दूसरा मतलब इसका ड्राबैक है थर्ड जो डैम्स जो डैम्स होते हैं अगर ड्यू टू फेलियर इसमें बहुत सारा हमें पता है कि फिर वाटर हमें इसमें मतलब ये होता है स्टोर होता है अगर ड्यू टू सम फेलियर अगर आ, क्या हुआ अगर ये डैम किसी वजह से अगर ये मतलब टूट गया तो क्या होता है जो नियर बाई एरियाज़ होते हैं उनमें फ़्लड्स के चांसेस होते हैं तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है किसके हाइड्रो पावर प्लांट में डैम्स के और आप लोगों को अब मैंने बोला कि हाइड्रो पावर प्लांट एक ऐसा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इसके बाद एनसीआर में ये दो पॉइंट्स आए और बहुत बार हमने इन दो क्वेश्चन इन दो पॉइंट्स को एग्ज़ाम में आते हुए देखा है पहला कि तहरी डैम किस पे है रिवर गंगा पे एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट रिवर नर्मदा पे इन गुजरात ये आप लोगों को पता होगा अब क्या है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी अब हम लोगों ने देखा कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ़ एनर्जी ऐसे है जो हम बिल्कुल बहुत ही पुराने टाइम से हम इनको यूज़ करते आ रहे हैं ये हम लोगों ने देखा लेकिन अब कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने इन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को ज़्यादा एफिशेंट बनाया फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता ही है कि वन सोर्स ऑफ फ्यूअल इज़ प्लान एंड एनिमल दैन सोर्स इज़ कॉल्ड एज बायोमास अगर हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमें मिलता है या प्लांट से या एनिमल से जैसे हम लोगों ने अभी देखा जैसे हमारे पास वुड है वुड का हम यू, यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग में हम वुड को यूज़ करते हैं तो लेकिन ये वुड किससे मिलता है ये तो हमें प्लांट से मिलता है तो ऐस, ऐसे ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को हम बायोमास कहते हैं जो या प्लांट से ऑब्टेन हो या एनम्ल्स है या ऐसी फॉसिल फ्यूल्स वो भी हमने बोला अभी ये डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स तो वो भी क्या है बायोमास लेकिन अब क्या है अगर हमारे पास एक वुड है वुड कोई हमें हमें इसको बर्न करके हमें कुकिंग के लिए यूज़ करना है हमें पता है कि इसमें जो हीट होता है वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है और स्मोक ज़्यादा निकलता है किसमें अगर हम वुड को बर्न करेंगे या काउडंग को बर्न करेंगे इसके बावजूद अगर हमने क्या किया होता अगर हमने इस वुड को पहले बहुत ही ज़्यादा सुखाया होता है यानी कि इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होगा उसको हमने रिमूव किया होगा अब क्या करेंगे अब हम इसको बर्न करेंगे इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन को कम रख के इसको हम बर्न करेंगे तो इससे क्या होता है हमने अभी बोला कि वाटर अगर ऐसे वाटर और वोलाटाइल मटेरियल जो इसमें प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे वो रिमूव होंगे और जब वाटर एंड दिस वोलाटाइल मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम दिस वुड कैसे रिमूव किया हमने हमने इसको बर्न किया इन लिमिटेड सप्लाई ओपनली ऐसे ऑक्सीजन हमने ऐसी कंडीशनज क्रिएट की जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो और जब वो ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो इससे क्या होता है वाटर एंड वोलाटाइल मटेरियल इस वुड से रिमूव हो जाते हैं अब जो बचता है वुड उसको हम चारकोल कहते हैं और चारकोल का क्या है कि फिर जब फिर जब हम चारकोल को बर्न करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी वहाँ से क्या होता है हमें हीट ज़्यादा मिलती है और स्मोक बहुत कम मिलता है यही होता है इम्प्रूमेंट इन टेक्नोलॉजी ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमारे पास प्लांट वेस्टस हो या वेजिटेबल वेस्टस हो ये वेस्टज का फॉर एग्जांपल हमारे पास पैडी फील्ड्स हो फील्ड्स होते हैं फिर क्या करते हैं जब हम इससे राइस को अलग करते हैं फिर जो बचता है वहाँ पे वो वेजिटेबल वेस्ट ये प्लांट वेस्ट जो वहाँ पर बचता है अगर हम इसको डिकम्पोज करेंगे लेकिन डिकम्पोज कैसे करेंगे इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कैसे पॉसिबल है डिकम्पोज इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन हम ऐसे ऑर्गेनिज्म से इनको डिकम्पोज कर करेंगे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है जिसको हम एन एरोबिक रेस्परेशन कहते हैं यानी कि ब्रेक डाउन इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन अब क्या होगा जब ब्रेक डाउन ऐसी चीज़ों का इन एबसेंस का इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा वहां से एक गैस प्रोड्यूस होता है जैसे आप लोगों ने अनारोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा भी होगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब ये जब हम इसको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ऐसे ही जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे प्लांट वेस्ट और वेजिटेबल वेस्टज को एनारोबिकली ब्रेक करेंगे तो वहाँ से क्या निकलता है वहाँ से गैस निकलता है जिसको हम बायोगैस कहते हैं बायोगैस कब कहते हैं जब हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था प्लांट वेस्टज और वेजिटेबल वेस्टज और इसी को डिकम्पोज करके जो गैस निकला उसको बायोगैस कहते अब अब अगर, अगर हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल होता है कावडंग तो फिर जो वहाँ से गैस प्रोड्यूस होता है उसको हम गोबर गैस कहते हैं ये आप लोगों ने पहले देखा होगा और इस गोबर गैस को हम यूज़ करते हैं फॉर फार लाइटिंग एज वेल हीट के लिए तो करते ही है प्रोड्यूस हीट इसके कुकिंग के लिए लेकिन लाइटिंग यानी कि लाइट आ, के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए हमारे पास एक ए, हम कैसे करते हैं हम लेते हैं एक तो हम काउडंग लेते हैं और इसको हम मिक्स करते हैं विद वाटर स्लरी ऑफ काउडंग और प्लस वाटर हम लेते हैं किसमें मिक्सिंग टैंक में जब हमने इसको मिक्सिंग टैंक में लिया फिर हम मिक्सिंग टैंक से इस काउडंग और वाटर को जो हमने मिक्सचर लिया इसको हम डाइजेस्टर में लेते हैं डाइजेस्टर एक ऐसा मतलब ये होता है जिसमें हम क्या कौन सी कंडीशन रखते हैं कि ऑक्सीजन इसमें अवेलेबल नहीं होगा अब जो माइक्रो ऑर्गन इसमें होंगे वो कैसे रेस्पायर करेंगे दे विल रेस्पायर एन एरोबिकली और इससे क्या होता है वो इसको डिकम्पोज करते हैं इस काउडंग और जो मिक्सचर है काउडंग वाटर का इसमें इसको काउडंग को ये करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं लेकिन जब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है वहाँ से गैसेस प्रोड्यूस होती है आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है यहाँ पे कि जो डाइजेस्टर होता है इसमें ये विदाउट ऑक्सीजन होता है जब Just a तो जब एनारोबिकली इसको क्या किया हमने तो वहाँ पे हमें गैसेस मिलते हैं तो जो गैस मिलता है इसको हम बायोगैस कहते हैं और अगर हमारा स्टार्टिंग मटेरियल काउडंग होगा हो तो फिर इसको हम गोबर गैस कहते हैं जो ये बायोगैस होता है इसमें कौन कौन से हमें कंपाउंड देखने को मिलते हैं एक मीथेन देखने को कौन कौन से गैसेज देखने को मिलते हैं मीथेन मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फ और ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल जेके एस एस भी एग्जाम में पूछता है वो बोलेंगे कि बायोगैस जो है हमारे पास इसमें क्या क्या हमें बायोगैस किसका बना होता है वहाँ पे ऑप्शन में यही होता है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन सल्फाइड और जो बायोगैस है आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसमें बायोगैस बना होता है सेवेंटी फाइव परसेंट इसमें सिर्फ मीथेन ही होता है किसमें बायोगैस में पर एंड इट इसल्सो यूज फॉर लाइटिंग अब जब गैस इससे निकला उसको हमने यूज़ किया एक तो हीटिंग पर्पज़ के लिए और लाइटिंग पर्पज़ के लिए अब जो फिर बाकी वेस्ट बच जाता है वो होता है रिच उसको हम यूज़ करते हैं एज़ फर्टिलाइजर इस डाइजेस्टर में जो बाकी अब बचता है उसको हम यूज़ करते हैं एज फर्टिलाइजर क्योंकि ये एक रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस होता है एक तो एक रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारा आखिरी टॉपिक बचता है विंड एनर्जी विंड एनर्जी को कंप्लीट करने के बाद हमारा आता है फिर अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसमें हमारा सोलर एनर्जी आता है फिर टाइडल एनर्जी वेव एनर्जी ओशन थर्मल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह आता है और उसमें इंपॉर्टेंट हमारा जो हमें देखना होगा वो है टाइडल एंड वेव एनर्जी क्योंकि हमें उसमें टाइप्स ऑफ टाइड्स पढ़ने पड़ते हैं जिस जिसपे एक क्वेश्चन हमें रिसेंटली सबॉटर में देखने को मिला कि वहाँ पे क्वेश्चन एक आया था स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड में कितने दिनों की डिफरेंस होती है तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो उन्होंने जो टेंथ की इसमें टेंथ तक आपको एन में एक पॉइंट नहीं मिलेगा एक ट्वेल्थ की एन सी आर बुक में है, तो ये हम लोग वहाँ पे ही देखेंगे अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक यू